लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अप में बाढ़ का कहर, 11 जिले प्रभावित, 10 लोगों की मौत, 73,000 लोग प्रभावित बाढ़। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। प्रदेश के 11 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सोमवार को राहत आयुक्त कार्यालय ने बाढ़ और बारिश के चलते 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। बाढ़ से 73,298 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 15,197 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार फर्रुखाबाद, फैजाबाद, बिजनौर, कानपुर देहात, गोंडा, कानपुर नगर, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर व पीलीभीत के 141 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए इन जिलों में 40 शिविर चलाए जा रहे हैं। इसमें रहने के साथ खाने की व्यवस्था भी की गई है। बाढ़ से निपटने के लिए टीमों को लगा दिया गया है। इसके अलावा पीएसी की कंपनियां भी लगाई गई हैं। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण इमरजेंसी ऑपरेशन परियोजना निदेशक अदिति उमराव के मुताबिक गोंडा के नकेहरा गांव में कच्चे बांध से पानी का रिसाव कम हुआ है। गोंडा में 6 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। सोनभद्र में बलुई बांध से पानी आने की वजह से 13 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है। बाराबंकी एल्गिनचर सड़ी बांध से पानी आने से प्रभावितों को राहत शिविर में पहुंचाया जा चुका है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 20 सेमी ऊपर बह रही है। सिंचाई राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव सिंह घोलख ने सोमवार को विधायक ज्ञान तिवारी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बाढ़ का स्थायी समाधान होगा। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बाढ़ समस्या के समाधान को लेकर गंभीर है। खमरिया परियोजना जो कि 22 करोड़ की है, वे जल्द ही स्वीकृत की जाएगी, जिससे अगले वर्ष की बाढ़ से पहले काम पूरा कर लिया जाए। राज्य मंत्री ने खमरिया गौलो कोडर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और बाढ़ ग्रस्त गाँवों को देखा। जसपुर में पुल धंसने से दिल्ली का रूट डायवर्ट। उत्तराखंड के जसपुर, ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर स्थित ठाकुरद्वारा से ओहारा मार्ग पर सूरज नगर गांव के पास फीका नदी पर बना पुल धंसने से दिल्ली, हरिद्वार और बिजनौर जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। रविवार रात जसपुर से करीब 12 किमी दूर मुरादाबाद के गांव सूरज नगर के पास बिजनौर और मुरादाबाद जिले की सीमा पर बने फीका नदी के पुल का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव के कारण धंस गया। सोमवार को पुल का हिस्सा धंसने से ठाकुरद्वारा से ओहारा, धामपुर, नूरपुर मार्ग पर चलने वाली बसों समेत अन्य वाहनों के आने एवं जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यातायात बंद होने से हरिद्वार, बिजनौर, धामपुर, दिल्ली, देहरादून जाने वाले वाहन जसपुर से होते गंतव्य को पहुंचे। दूसरी तरफ धामपुर में वाहनों को रोककर जसपुर भूतपुरी मार्ग से डायवर्ट किया गया। यातायात रोकने के लिए पुल पर पुलिस को लगाया गया है। पुल दुरुस्त करने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। सोमवार को गंगा का जल स्तर 293.30 मीटर दर्ज किया गया। गंगा किनारे बसे कांगड़ी गांव में जंगल की ओर से आ रही बरसाती सिद्धसोल नदी भी उफान पर है। बरसाती नदी और गंगा के मध्यबनी में बनी सुरक्षा दीवार काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बाल विकास विभाग के साथ ही एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया है। उत्तराखंड के ग्लेशियरों पर नजर रखेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो के पूर्व निदेशक और वर्तमान में विक्रम साराभाई पीठ के प्रोफेसर एस किरण कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड के ग्लेशियरों में आ रहे बदलावों पर इसरो नजर रखेगा। राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के आग्रह पर प्रोफेसर कुमार ने इसरो की दून स्थित इकाई को यह निर्देश दिए। सोमवार को मीडिया से बातचीत में पद्मश्री प्रोफेसर एस किरण कुमार ने यह जानकारी दी। वे यहां राजभवन में टॉपर्स कॉन्क्लेव में मुख्य वक्ता के तौर पर आए थे। उन्होंने कहा कि देश के महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विशेष यान आदित्य इल एक की लॉन्चिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना शुरू हो गया। यह यान वर्ष 2019 से 20 में लॉन्च किया जाना है। बिहार में मानसून मेहरबान, फिर भी सामान्य से कम बारिश। बिहार के अधिकतर जिलों में पिछले कुछ दिनों से मानसून मेहरबान है, लेकिन कई जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार 6 अगस्त तक राज्य में 478.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 569.5 मिलीमीटर का है। यानी अब भी राज्य में मानसून की बारिश सामान्य औसत से 16% कम हुई है। अगले 24 घंटे में पटना व आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है।